आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो शिवानी की बहुत चिंता होने लगी है। इतनी सी उम्र में भोलेनाथ न जाने और कितने दुख देगा इसे। मुझे लगता है कि सारी सच्चाई हमें मांडवा में ही पता चलेगी। अंकल मैं भी मांडवा जा रहा हूं, वहां मनराज के परिवार से मिलकर पूरी बात जानकर आऊंगा। मैं भी का क्या मतलब? मैं पूछता हूं, ये मैं भी का क्या मतलब है? अंकल शिवानी मांडवा के लिए निकल चुकी है। व्हाट? पागल हो गए तुम? तुमने उसे जाने कैसे दिया? वो भी अकेले मांडवा? जाओ उसे रोको जाकर। अंकल जाने दीजिए शिवानी को, उसे रोकिए मत। इस वक्त उसे हमारे सहारे की जरूरत है, उसे सच जानने का पूरा हक है। अंकल आज फिर एक बार तुमने शिवानी को जाने तो दिया, लेकिन आज भी मेरा दिल तुम्हारे इस फैसले के खिलाफ है राहुल। अंकल मैं शिवानी को बार बार अकेले जाने नहीं दूंगा। मैंने आपसे कहा है ना, मैं भी मांडवा जा रहा हूं। अंकल आंटी एक बार मैं शिवानी को खो चुका हूं, अब दोबारा नहीं खोना चाहता। मैं साए की तरह उसके पीछे रहूंगा। अगर यही बात थी तो तुम उसके साथ क्यों नहीं चले गए? आंटी आप तो जानती हैं कि शिवानी कितनी जिद्दी है। अगर मैं उसे अकेले जाने नहीं देता तो पता नहीं वो क्या करती। शिवानी को कुछ हो गया तो? अंकल मेरा यकीन कीजिए, फिर भी मैं इंस्पेक्टर मल्होत्रा को फोन कर देता हूँ। हाँ बेटा, जरूरत पड़ने पर वो मदद के लिए आ जाएंगे। ओके अंकल मैं चलता हूँ। बेटे शिवानी का ख्याल रखना, और हाँ अपना भी। जी गॉड ब्लेस। मैं आ रहा हूं शिवानी, और इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। Thank you.
लेकिन मुझे विश्वास था, मैं जानती थी, जानती थी कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। लेकिन फिर उसने तो कहा कि तुम एक साल पहले मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी लाश देखी है। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है। वो कहीं भी हो, तुम्हें उससे क्या? मुझे उससे कुछ नहीं, अब तुझे तो है, इसे अरिशा तो है। मेरी वो कुछ नहीं लगती, तेरी तो लगती है, तेरी तो लगती है। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, बचा लो उसे। क्या हुआ, क्या हुआ मेरी बच्ची को? तुम क्या कह रही हो, क्या कहना चाहती हो तुम? वही जो तू सुन रही है, उस बच्ची पर किसी की नजर है, और ऐसी पैनी नजर जो उसे चीर के रख देगी। कहाँ है वो, कहाँ है वो? ओए सुन, अकवास बंद कर और निकल जाए यहां से। हम अपनी बच्ची का ख्याल खुद रख सकते हैं, समझे ना? ख्याल रख सकते? आज उसे ये दिन न देखना पड़ता। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, बचा लो उसे। कहाँ है वो, मुझे उससे मिलना है, बताओ। जो मिला है तुम्हें उसे, वो अपने ससुराल मांडवा गई है। नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अरे वो शापित गांव है, अरे वहां से आज तक कोई भी वापस नहीं आया, तो वो कैसे आएगी? नहीं, लक्ष्मी अपना ड्रामा बंद कर और चली जाए ऐसे। राहुल एक मिनट, राहुल ये ऐसे नहीं मानने वाली, इसे धक्के मार के बाहर निकालो, और नहीं मानी तो पुलिस को बुला लो। अरे मुझे तो धक्के मार के निकाल दोगे, पर अपनी किस्मत का क्या करोगे? वो नहीं बचेगी, अभी भी वक्त है तेरे पास, बचा ले उसे। राहुल तुमने सुना नहीं, धक्के मार के निकालो उसे। चलो, चलो। राहुल तू उसे कैसे मरने दे सकता है, तू तो उसे प्यार करता है। राहुल बचा ले उसे, अभी भी वक्त है तेरे पास, बचा ले उसे। चलो निकल जा राहुल, निकल जा ऐसे। तू मुझे दिखा रहा है आज जोश, अरे एक दिन ऐसा ना हो जो ऊर्जा तेरे ही होश। आपकी बहू शिवानी। शिवानी शिवानी, मैं जानता हूं तुम्हारे जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, और आज मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। मेरा एक अतीत है, बहुत ही काला अतीत। शिवानी मेरा एक जुड़वा भाई है जिसका नाम है वीरेन। भगवान ने हमें शक्ल सूरत तो एक जैसी दे दी है, लेकिन सीरत बिल्कुल अलग। काम है सीधा साधा, वो एक नंबर का धोखेबाज। ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है जो वीरेन में ना हो। नशा करना, कोठे पर जाना, लोगों को ठगना, हम सब उससे बहुत परेशान हो गए थे। शिवानी ऐसा नहीं है कि मैंने और माँ ने उसे समझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। आज से 2 साल पहले उसने अपने चूहे की लत में उसने हमारी इस हवेली को गिरवी कर दिया। जब लोग घर पर आए तब हमें पता चला कि असली कहानी क्या है और वीरेन ने क्या किया है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी इस
उस दिन ही हवेली को बचाया। उसके बाद मैं एक माँ का बेटा तो बना रहा, लेकिन ये भूल गया कि मेरा कोई भाई भी है। लेकिन आपने अपने अतीत के बारे में मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? क्या बताता मैं शिवानी, क्या बताता मैं तुम्हें? एक तो खुद ही मैं अपने अतीत को और वीरेन को भुलाना चाहता था, और शिवानी जिन हालात में हमारी शादी हुई थी, अगर मैं अपना अतीत तुम्हें बताता तो तुम बिल्कुल सहन नहीं कर पाती। मैं जानती हूँ आप वीरेन से नाराज हैं, आपकी नाराजगी जायज है विराज, पर इसमें माँ जी का क्या कसूर है? हम माँ जी को तो अपने साथ रख ही सकते थे। नहीं बहू, इसमें वनराज की कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है। क्या करूं, माँ हूं ना, मैंने हमेशा वीरेन का साथ दिया, ये सोच के कि वनराज अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन वीरेन से 1.5 साल पहले मेरा और वीरेन का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, तो वीरेन ने अपनी सारी हदें पार कर ली थी। झगड़ा? ऐसा क्या किया था वीरेन ने? वीरेन को पैसों की सख्त जरूरत थी, और मेरे हम शक्ल होने का उसने फायदा उठाया, मेरे मरने का छोटा स्वांग रचा, और मेरी पॉलिसी के सारे पैसे लेकर फरार हो गया। मैं उसी वक्त जा रहा था पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए, अगर माँ ने मुझे कसम नहीं दी होती। मैंने ही वनराज से किसी को कुछ बताने के लिए मना किया था, और अपने आप से बहुत दूर मुंबई भेज दिया, लेकिन विधि का विधान तो देखो, जो झूठ वीरेन ने 1.5 साल पहले बोला था वो आज सच हो गया। 3 दिन पहले मेरे कार एक्सीडेंट में, क्यों नहीं, जो लाश मैंने देखी थी वो आपकी नहीं थी, वो लाश वीरेन की थी। वो जो हो गया वो हो गया, सब में कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी, मुझे आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। वनराज, इतना सब कुछ हो गया, आपने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे माफ कर दो शिवानी, हमारी एनिवर्सरी के दिन मैं घर के लिए निकल चुका था, और माँ का फोन अचानक आ गया, वो बहुत घबराई हुई थी, उनकी ऐसी आवाज सुनकर मुझसे रुका नहीं गया, और मैं जल्द से जल्द उनके पास आ गया। जब मैं यहाँ पर पहुंचा तब मुझे वीरेन के बारे में पता चला, और मैं जानता हूँ शमा, गलती मेरी है, मुझे एक फोन तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन शिवानी माँ की ऐसी हालत देखकर मुझे सब कुछ भूल गया। मैं समझ सकती हूँ, आपने जो कुछ भी किया ठीक किया, लेकिन आप नहीं जानते कल का एक दिन मुझ पर कैसे बीता है, न जाने कैसे कैसे ख्याल आते। मीरा, ये मीरा है,
मेरी भाभी, और अब रैंकी में तो मैं समझ सकती हूँ अब पर क्या बीत रही है इस वक्त। लोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै काराय नमोस्ताय मंदाकिनी शली चंद्रताय नंदीश्वर पद्मनाथ महेश्वराय मंदाकुश बहुपुष्पूजिताय तस्मै मकाराय नमोस्ताय शिवाय गौरी वंद्रा जुविंदाश्वराय दक्षाधर नाशकाय। अपने घर से धक्के मार के निकालने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिला तो यहां तक चला आया मुझे बेइज्जत करने। लक्ष्मी मैं तुमसे माफी मांग रहा। अरे क्या, तेरे डर तक गई थी मैं, कितना चीखी कितना चिल्लाई मैं, जो उस समय वो सब नौटंकी लग रही थी। लक्ष्मी मुझे माफ कर दो, गलती होगी मुझसे कि मैंने तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इस वक्त मैं इतना जानता हूं कि सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। शिवानी को बचा लो। इतना ही चाहता है शिवानी को तो क्यों भेजा उसे मौत के मुंह में? माफ कर दो मुझे लक्ष्मी, मेरी मदद कर। उस वनराज का पूरा खानदान श्रापित है। उस खानदान के साथ आज तक जो भी जुड़ा जिंदा नहीं बचा। मांडवा में है ना उसकी हवेली, अरे उस हवेली के पास भी कोई नहीं जाता, कोई नहीं जानता कि उस हवेली के अंदर क्या चल रहा है। कितने सालों से उस हवेली का दरवाजा तक नहीं खुला। तुम क्या कह रही हो लक्ष्मी, वनराज ने शिवानी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया? अरे पगले, कैसे बताता वो, शिवानी को उस हवेली तक बुलाना जो था, शिवानी को मैंने उसकी शादी के दिन ही कह दिया था कि दूर रहे उस वनराज से, पर उसने मेरी नहीं सुनी। अरे वनराज बहुत सारी तांत्रिक विद्याएं जानता है, वो तो सिर्फ शिवानी का इस्तेमाल कर रहा है अपने किसी बड़ी मकसद के लिए, सिर्फ इस्तेमाल। लक्ष्मी हमें कुछ करना होगा, शिवानी की जान बचानी होगी हमें। अब बहुत देर हो चुकी है, वो मौत के मुंह में पहुंच चुकी है। नहीं, नहीं, तुम मेरी मदद कर सकते हो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी लक्ष्मी। राहुल, मैं एक बाबा को जानती हूं, वही सिर्फ हमारी मदद कर सकते हैं, वही कोई रास्ता बता सकते हैं। चलते हैं। बड़ी भूली है बेचारी, पता नहीं कितने सालों के बाद आज का ये दिन देखने को मिला है इस माँ को। बस कुछ ही समय बाद वो लड़की अपनी आखिरी सांस लेगी। जैसे ही उस लड़की ने अपनी आखिरी सांस ली, वैसे ही मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाएगा। हाँ माँ, अब हमारे इंतजार की घड़ियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। बेचारी नहीं जानती कि पिछले एक साल से
वो किसी आदमी के साथ नहीं बल्कि एक आत्मा के साथ रह रही है। लेकिन माँ, अब हमें सावधान रहना होगा। एक गलती और हमारी परसों की तपस्या भंग हो सकती है। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे तो बस वो श्राप टूटने का और दोबारा तुम्हारे मनुष्य रूप में आने का इंतजार है। बस माँ, चंद घंटे और, उसके बाद सब वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। बिचारी शिवानी, उसने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि शिव की भक्ति का फल उसे इस तरह मिलेगा। ना वो बच्ची शिवरात्रि के उस पल पैदा होती, ना आज हम उसे इस कार्य के लिए चुनते। वनराज, आज वो अमावस की रात है जहां सारी शक्तियां अपने असली रूप में आकर असंभव को संभव कर देती। बस आज की रात उस लड़की की बलि चढ़ेगी और मैं तुम्हें हमेशा के लिए जिंदा देखूंगी। और एक बार तुम जिंदा हो गए ना, उसके बाद देव तो क्या, देवों के देव भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे वनराज, ये वीरेन कौन है? माँ, उस लड़की को कोई ना कोई तो कहानी सुनानी थी, और फिर मीरा के बारे में कुछ ना कुछ बताना ही, बस इसलिए। बात क्या है वदराज, क्या सोच रहे हो? मां, मैं सोच रहा हूं कि कहीं मीरा हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ ना दे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने आज के दिन के लिए मीरा को अपनी शक्ति से बांध के रखा है। एक बार मीरा तुम्हारी सुहागन बन जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। माँ, वैसे मीरा है कहाँ? कहीं उसने शिवानी को कुछ बता दिया तो? मैं अभी देख कर आता हूं। शिवानी, आज तुम्हें मरना होगा, क्योंकि यहां तुमने अपने प्राण त्यागे और वहां मेरा बेटा जिंदा होगा। तुम्हारी मौत निश्चित है शिवानी, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। क्या कह रही हैं आप भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो शिवानी, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि तुम यहां से चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। I'm sure आपको कोई गलत फहमी हुई है भाभी, वनराज ऐसा क्यों करेंगे मेरे साथ? वो मेरे पति है, प्यार करते हो मुझसे, वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। शिवानी, हमें तुमसे जो कहना था हमने कह दिया, अभी तुम पे निर्भर करता है कि तुम हमारी बात का कितना यकीन करती हो या नहीं। तुम सिर्फ माँ जी पे भरोसा कर सकती हो, और आज अमावस्या की रात है, उसके असली रूप में आना ही होगा। Thank you.
हवेली के बारे में बता रही थी। तुम बहुत थक गई होगी ना, आज का दिन तुम्हारे लिए आसान नहीं था, इतना कुछ हो गया। तुम एक काम करो, थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हमें अपने पुश्तैनी मंदिर जाना है। पुश्तैनी मंदिर? माँ कह रही थी कि शादी के वक्त जो रस्में पूरी नहीं हुई वो आज पूरी हो जाए। Thank you.
राम बाबा। शिवानी तो ठीक है बाबा, वो तो मांडवा चली गई। मांडवा अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। उस लड़की को मांडवा भेजने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन शिवानी ने किसका क्या बिगाड़ा था बाबा? आज तक वो बच्ची जिसके साथ रह रही थी वो मनुष्य नहीं, एक प्रेतात्मा है, एक शापित प्रेतात्मा। शापित प्रेतात्मा? आज अमावस की रात है, आज की रात वो अपने असली रूप में आएगा। लेकिन बाबा शिवानी ही क्यों? शिवानी का जन्म महाशिवरात्रि के उस नक्षत्र में हुआ था जिस नक्षत्र में वनराज की मृत्यु हुई थी, और आज वो वनराज शिवानी की बलि चढ़ाकर आत्मा और शरीर का मिलन करवाएगा। बाबा, बाबा उसे बचाना होगा। हाँ बाबा, हमें किसी भी कीमत पर शिवानी को बचाना होगा। दिल की साफ और पवित्र आत्मा है वो लड़की, इसलिए स्वयं भोलेनाथ ने हमेशा उसे बचाया है। लेकिन मुझे पता है कि मांडवा की उस हवेली में उन लोगों ने क्या जाल बुना होगा। बाबा, कोई तो उपाय होगा शिवानी को बचाने के लिए। कोई उपाय? केवल एक उपाय है उस पापी प्रेतात्मा का अंत करने का। शिव जी का ये त्रिशूल, इस त्रिशूल से ही उस आत्मा का अंत संभव है। और हां, ये भभूत अपने पास रखना, ये भभूत उस आत्मा पे डाल देना, उसकी शक्तियां कम हो जाएंगी, उसके बाद ही इस त्रिशूल से उसका अंत संभव है। समय बहुत कम है तुम लोगों के पास, जाओ। भोलेनाथ, उस बच्ची की रक्षा करना। ओम नमः शिवाय। Thank you.
शिवानी बेटा, तू यहां बाहर क्या कर रही है? क्या हुआ, इतनी घबरा क्यों रही हो? मैंने अभी कल राज को यहां से जाते हुए देखा, तो दीवार मैंने देखा उन्हें जाते हुए। शिवानी बेटा, आज तुम्हारा हवेली में पहला दिन है ना, इसलिए तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। चलो तैयार हो जाओ, हमें अपने पुश्तैनी मंदिर जाना है। लेकिन माजी, वनराज तो कब का चला गया बेटा? मंदिर में पूजा और हवन की तैयारी जो करनी है। आज मेरी बहू की पहली पूजा है, तैयारी तो जोरों से करनी होगी। जाओ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मंदिर के लिए निकलना है ना। मीरा जी। माँ जी, अपनी भाभी को अच्छी तरह सजाओ, हमें मंदिर के लिए निकलना है ना। जी। जाओ शिवानी। मेरे सालों का इंतजार खत्म हुआ, परसों की तपस्या और कोशिशों के बाद आज तुम मेरे हाथ लगी हो शिवानी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा मरना निश्चित है, क्योंकि मैंने तुम्हारा सुरक्षा कवच उचल दिया है। तुम्हारा सुरक्षा कवच वो शिव जी का नाग जो तुम्हारी अब तक रक्षा कर रहा था, उसका अंत हो गया है। पूरी हवेली छान मारी, अंदर कोई भी नहीं है, सब लोग जा चुके हैं। शायद वो लोग मंदिर गए होंगे, लेकिन मंदिर का रास्ता मुझे पता है, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। चल लक्ष्मी, मैं एक बार शिवानी को खो चुका हूं, दोबारा नहीं खोना चाहता। Thank you.
माँ जी, ये मंदिर ऐसा क्यों है? ये जगह कुछ अजीब सी नहीं है? ऐसा नहीं बोलते बेटा, ये मंदिर हमारा पुरखों का मंदिर है। और आज हवन में तुम्हें और वनराज को बैठना है। वनराज कहाँ? दिखाई नहीं दे रहे। होगा यही कहीं। वैसे भी तुझे छोड़ के कहाँ जा सकता है तुम्हारा वनराज, और आज तो कहीं नहीं जाएगा। शिवानी, मैं यहाँ हूँ। चलो बेटा, पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, शिवानी को ले जाओ। जी माँ, आओ शिवानी। और कितने धोखे दोगे तुम वनराज? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? क्या भूल हो गई थी मुझसे? मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी, अपना घर, मेरे माँ बाप, बचपन का दोस्त सब छोड़ दिया तुम्हारे लिए। बदले में क्या मिला मुझे? शादी जैसे पवित्र रिश्ते को भी मजाक बनाकर रख दिया ना तुमने। क्या कमी थी मेरे प्यार में? इतना बड़ा खेल क्या? क्यों किया है सब मेरे साथ वनराज? जवाब दो। शिवानी, तुम क्या कह रही हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हम तो यहाँ पर अपने आने वाले जीवन की मंगल कामना की पूजा के लिए। हम नहीं सर, तुम। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आज की रात तुम मेरी बलि चढ़ाओगे ताकि तुम्हें तुम्हारा शैतानी रूप फिर से मिल जाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी थी, फिर सब क्या जरूरत थी? तुम्हें एक बार के लिए भी नहीं लगा किसे धोखा दे? अपने खून के हर एक कतरे पर मैंने तुम्हारा नाम लिखा वनराज। पिछले एक साल में तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। पिछले एक साल में कभी भी तुमने अपने मकसद से हटकर मेरी तरफ प्यार से नहीं देखा। बोलो ना वनराज, मैं भी जानना चाहती हूँ जितना वक्त तुमने मेरे साथ बिताया क्या वो झूठ था, तुम्हारा प्यार धोखा था? हाँ शिवानी, मैंने एक पल के लिए भी तुमसे प्यार नहीं किया। तुम तो मेरे लिए सिर्फ एक सरिया हो शिवानी, एक ऐसा सरिया जो मुझे मेरी कोई भी शैतानी ताकत वापस लाने में मेरी मदद करेगा। एक ऐसा सरिया जो मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनाने में मेरी मदद करेगा। बस और कुछ नहीं।
मनराज आज तक तुमने एक औरत का प्यार देखा लेकिन उसकी नफरत नहीं देखी। मेरा जो होना है होगा, लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि भोलेनाथ हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तुम्हें कभी अपने इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे, फिर चाहे कितनी शिवानियों की बलि चढ़ा लो। बस शिवानी बस, तुम्हें आज यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। मैं इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। भूल जाऊंगी कि वनराज नाम का कोई आया था मेरी जिंदगी में। तुम्हारे जिंदगी में वनराज नाम का कोई इंसान था ही नहीं। पिछले साल भर से तुम जिसके साथ रह रही थी वो मेरे बेटे वनराज की आत्मा थी, मीरा के पति की आत्मा थी, और आज उस आत्मा को इंसान बनाने के लिए तुझे अपनी बलि चढ़ानी होगी। मीरा तुम भी, तुमने भी अपने फायदे के लिए इतना बड़ा खेल खेला। भगवान से तो डरो तुम लोग, भोलेनाथ कभी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। बस बहुत बोल चुकी तुम, अब अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारा अंत निकट आ चुका है वनराज। सुबह होने वाली, हमें इस लड़की की बलि चढ़ाने में और देरी नहीं करनी चाहिए। वनराज देख क्या रहे हो, उठाओ तलवार और चढ़ाओ इसकी बलि। सोचो मत, उठाओ तलवार, छोड़ो मुझे। चुपचाप खड़ी रहो वनराज, तलवार उठाओ। Thank you.
मचाए। हर हर महादेव, हर हर